इंडिपेंडेंस डे किस चीज से आजादी मिली थी हम क्या मानते हैं इसको ब्रिटिश रूल से हमें इससे आजादी मिली थी अब हम उसको हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं सेलिब्रेट किससे करते हैं कि हमें इनसे इंडियंस को आजादी मिली अब आजादी तो मिल गई हर साल ऐसे ही मनाते रहेंगे हम्म आजादी तो मिल गई क्या हम उसको ऐसे ही मनाते रहेंगे क्या उसकी रेलेवेंस है इंडिपेंडेंस डे का मतलब क्या समझे आज तक कि हम आजाद हुए हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते थे पहले हम ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे अब हमने अपने लॉस बनाए कंट्री को खुद गवर्न करते हैं और उसके लिए हम हर पंद्रह अगस्त को जनगणमन गा लेते हैं या सुन लेते हैं एक दिन के लिए पूरी देश भावना जाग जाती है सारे देशभक्त बन जाते हैं गाड़ियों पर सब चीजों पर ये चलता है अच्छी बात है सेलिब्रेट करना है कंट्री है तो हम है बट अब भी हम कुछ चीजों से गुलाम हैं जिनसे हमें आजादी चाहिए अब अंग्रेज तो चले गए बट अभी भी हम गुलाम हैं दो चीजों से एक कुछ हमारी गलत मान्यताएं हैं रॉन्ग बिलीव हैं, और दूसरी गुलामी अपने अपने आप से ही है अभी तो हम अपने भी गुलाम हैं पहले भी मैंने कई बार इन चीजों पे बात की है कि हमारी अपनी गुलामी किस चीज से है और देश की तो गुलामी खत्म हो गई तो अभी पहले कंट्री की बात करते हैं कि देश को आजाद कराने वाले फ्रीडम फाइटर्स थे जिनको हम याद करते हैं जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी स्ट्रगल को हम अप्रिशिएट करते हैं थैंक्स करते हैं हम अपने आर्मी सोल्जर्स को थैंक्स करते हैं कि उन लोगों ने हमें प्रोटेक्ट किया हुआ है एनिमी से बचाया हुआ है और हमें जिन्होंने फ्रीडम दिलाई उनको हम रिगार्ड करते हैं क्या सिर्फ इससे करने से देशभक्ति बन जाती है क्या हम देशभक्त हो गए कि एक दिन हम फ्लैग लगा लें एक दिन हम सेरेमनीज कर लें थैंक्स कर लें बट क्या जो लोग स्ट्रगल कर गए फ्रीडम के लिए उन्होंने देश के लिए कुछ किया तो क्या हमारी जिम्मेवारी बनती है कि नहीं बनती देश के लिए करने के लिए क्या जिम्मेवारी बनती है इस टाइम टूवर्ड्स नेशन जिम्मेवारी तो सबकी है हम जिस धरती पे रहते हैं जहां से हमें हवा पानी खाना खेती सब कुछ मिल रहा है उस मदर अर्थ मदरलैंड हमारी कंट्री के लिए करने के लिए हमारी भी तो जिम्मेवार हैं उस जिम्मेवारी में जैसे क्लीन इंडिया की बात होती है अभी क्या हमारी गुलामी नहीं है कि हमें पता है कि कूड़ा नहीं फेंकना हम फिर भी फेंक देते हैं हम बड़े मजे से कहते हैं हम आजाद हैं इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस ठीक है ब्रिटिशर्स से तो इंडिपेंडेंस है बट क्या हम अपनी हैबिट्स के गुलाम नहीं है जिससे हम अपना भी नुकसान करते हैं और कंट्री का भी नुकसान करते हैं तो मैं तो यह कहता हूं कि अगर इंडिपेंडेंस डे मनाना है अगर कंट्री की तरफ पूरा रिस्पेक्ट है तो उसमें हम वो वो काम ना करें जो कंट्री के अगेंस्ट है तो अपने आप हमारे अंदर पेट्रिजम आ जाएगा अगर हम कहते हैं हम देशभक्त हैं तो देशभक्त क्या सिर्फ बोल देने से होगा या कुछ नेशन के लिए करने से होगा और अगर हर बंदा यह समझ ले कि मुझे कूड़ा नहीं फेंकना पब्लिक रोड पर तो सोचो देश कहां जाएगा हम कहते हैं गवर्नमेंट सफाई करवाए गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है सफाई करवानी है बट क्या कूड़ा फेंकना हमारा राइट है गवर्नमेंट इसलिए तो नहीं बैठी ना कि वो स्वीपर्स को रखे और वो कूड़ा हमारा फेंका उठाए अगर हर इंसान अपने घर के बाहर और अंदर घर के अंदर डेली सफाई करते हो घर के बाहर भी थोड़ा सा करते हो बट अगर कोई आदमी अपने घर की गली में झाड़ू मारने लग जाए उसको क्या बोला जाता है पागल या फालतू है मजाक उड़ेगा उसका मतलब मैं अपने घर में कहीं भी बैठे कूड़ा नहीं फेंकता डस्टबिन में फेंकता हूं अपने घर में बैठे मैं कहीं भी यहां वहां नहीं थूकता बट बाहर निकलते मैं कहीं भी थूक देता हूं कहीं भी कूड़ा डाल देता हूं अगर मैं ये करता हूं तो इट मीन्स जो मेरी चार दीवार है वो मेरा घर है देश मेरा घर नहीं है अगर वो मेरी कॉलोनी मेरी एरिया वो भी तो मेरी कंट्री का पार्ट है तो अगर इंडिया मेरा घर है तो क्या इंडिया का टेक केयर करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो मेरे ख्याल से तो मेरा आज का ना सबसे पहला मैसेज आप लोगों को यही है कि अगर हम अपने आप से ही प्रॉमिस कर लें कि टुवर्ड नेशन हम ड्यूटी क्या दे सकते हैं तो सबसे पहली ड्यूटी तो यही बनती है कि जो छोटी छोटी चीजें हम कर सकते हैं वो तो करें हम आर्मी में नहीं जा रहे एयरफोर्स में नहीं जा रहे कंट्री की स्ट्रगल में अब जरूरत ही नहीं है कंडी हमारी कंट्री इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि अब कोई हमारे ऊपर कब्जा करने आने वाला नहीं है अब हमें देश के लिए क्या करना है अगर हम रियल देशभक्त हैं हमारे में देशभक्ति आती है तो देश के लिए वो वो ना करें जो नुकसान हो रहा है तो सबसे पहले तो देश किस चीज से प्रॉब्लम में है कूड़ा वेस्टेज ऑफ फूड आज अगर हम ये प्रॉमिस करें तो वेस्टेज ऑफ फूड को अगर हम रोक लें तो क्या गरीबों का भला नहीं होगा उसके बाद एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना क्या हमारी जिम्मेवारी नहीं है इस टाइम कंट्री किससे स्ट्रगल कर रही है क्या पॉल्यूशन एक प्रॉब्लम नहीं है जब हम आजाद हुए थे आजाद से पहले गरीबी थी भुखमरी थी अब वो नहीं है बट अब दूसरी प्रॉब्लम्स तो खड़ी हो चुकी है ना जिनमें से एक मेन प्रॉब्लम क्या आ रही है एनवायरमेंटल इशू है तो एनवायरमेंट खराब करने में क्या हमारा रोल नहीं है है या नहीं हमारा रोल हमारा रोल पूरा है जरूरी नहीं है, हम कार बाइक से ही पॉल्यूशन कर रहे हो हम कूड़ा फेंक के भी पॉल्यूशन कर रहे हैं अपने घर में हीटिंग गैजेट्स लगाकर पॉल्यूशन कर रहे हैं कूड़ा जलाकर पॉल्यूशन कर रहे हैं तो अगर पॉल्यूशन हम कहें कि जी ये भी गवर्नमेंट की जिम्मेवार है तो फिर हम देश के लिए क्या करने के लिए पैदा हुए हैं की सफाई भी गवर्नमेंट करवाए हर चीजों पे एक्शन गवर्नमेंट ले तो अगर हमारे घरों में फैक्ट्रियां हैं या आसपास फैक्ट्रियां हैं तो फैक्ट्री से अगर पॉल्यूशन होता है या किसी भी चीज से एक्सेस पॉल्यूशन हो रहा है नॉर्म से ज्यादा और वो पर्सन कंट्रोल नहीं कर रहा तो क्या देश के साथ गद्दारी नहीं कर रहा बेईमानी तो हम कर रहे हैं ना तो हम काय के देशभक्ति की बड़ी बड़ी बातें करते हैं हम कहते हैं हमें बोला गया कि कूड़ा नहीं फेंकना हम फिर भी फेंक रहे हैं तो क्या ये गुलामी नहीं है हमारी अपनी हमें किसने बोला कि कूड़ा फेंक हमें किसने बोला कि रेबर फेंक दो तो हम क्या कहते हैं कोई बात नहीं फेंक देते हैं। ये कौन बोल रहा है हम ही तो अपने आप से बोल रहे हैं ना तो हमारा एक साइड ऑफ माइंड कह रहा है जस्टिफाई कर देता है कोई बात नहीं बाकी भी फेंक रहे हैं या आज फेंक देता हूं पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई भी नुकसान पहुंचा रहे हैं हम पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान करते हैं तोड़ाफाड़ी करते हैं दंगे फसाद होते हैं क्या हो रहा है ये क्या हम अपना ही नुकसान नहीं कर रहे टैक्स की चोरी क्या ये देशभक्ति है वैसे हम दुनिया भर के पूजा पाठ भी कर लेंगे देशभक्ति के गाने भी गा लेंगे बट क्या हम ऑनेस्ट पेयर्स हैं टूवर्ड्स मदर अर्थ टैक्स क्यों लगाया जाता है कि आप जिस धरती पर रह रहे हो उसके लिए कुछ करो हम उससे लेना तो चाहते हैं देना क्या चाह रहे हैं उसको हम उसको बढ़िया तो चाहते हैं बट हम उसको देना कुछ नहीं चाहते है. तो अब जो रियल इंडिपेंडेंस आ रही है ना वो रियल इंडिपेंडेंस अब किसी दुश्मनों से अंग्रेजों से फिरंगियों से नहीं है वो तो हो चुकी हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जान दे देकर हमें ये इंडिया दिया अब इंडिया की टेक केयर करने की जिम्मेवारी किसकी है हम क्या समझते हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट की ही है गवर्नमेंट की है एडमिनिस्ट्रेट कर रही है बट ग्राउंड लेवल पर अगर हमारा सपोर्ट नहीं होगा तो क्या ये कंट्री ग्रो कर पाएगी क्या ये पॉसिबल हो पाएगा कि सिर्फ गवर्नमेंट ही सारे काम कर दे हमारे लिए ये तो हुई टूवर्ड्स नेशन की बात दूसरी गुलामी है हमारी अपनी ही बातों से अपने ही नेचर से अपनी ही हैबिट से व्हाट इज हैबिट हैबिट क्या है किसी भी चीज को बार बार करना हैबिट और हैबिट अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है और उसको ठीक करने की भी जिम्मेवारी किसकी है हमारी और अगर हम नहीं कर पा रहे तो क्या हम गुलाम नहीं है हमें पता है ये काम करना है ये काम नहीं करना और अगर हम वो काम कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए और हम फिर भी कर रहे हैं तो हम जस्टिफाई तो अपने आप को कर देते हैं ना फॉर एग्जाम्पल झूठ बोलना बुरा है सब जानते हैं और मान लो अगर हम झूठ बोल रहे होते हैं तो एक साइड ऑफ माइंड क्या चल रहा होता है वी आर डूइंग रोंग बट हम क्यों झूठ बोलते हैं दूसरा साइड उसको जस्टिफाइड कर देता है देर इज अड वो नीड क्रिएट कर देता है कि टू वाइट या तो हमें अपने आप को बचाना है या किसी के लिए झूठ बोल रहे हैं तो वो दोनों ही चीजों में हमारी पर्सनैलिटी में एक साइड ऑफ पर्सनैलिटी कह रही है कि इट इज और दूसरी साइड क्या बोल रही है कर ले कोई बात नहीं दिस इज हैबिट दिस इज गुलामी है किसी भी चीज को गलत ऐसे ही कूड़ा फेंकने की आदत हमारी पड़ गई हर चीज की बात हैबिट से ही तो शुरू हो रही है अब हम बाहर की कंट्रियों में जाते हैं तो कहते हैं जी वहां बहुत सफाई है यहां क्यों नहीं है तो गंदगी कौन मचा रहा है भारत सरकार आगे गंदगी मचाती है विचारों की गंदगी हमारी है हम किसमें उलझे हुए हैं अब दूसरी गुलामी हमारी कहां आ गई धर्मों की यस yes. धर्मों के कारण हम गुलाम हैं तो उसमें हमने गुलामी क्या कर ली भाई धर्मों में क्या गुलामी कर ली हमने लड़ मर रहे हैं हम अपने इन्हीं चीजों में कंट्री का ध्यान नहीं है कंट्री से पहले हम किस में फंस गए रिलीजियंस में फंस गए और कई रिलीजियंस के रॉन्ग बिलीव में हम फंसे हुए हैं कि जो बिलीव ऐसे हैं कि जिनको हमें पता है कि ये गलत है हम फिर भी उसको मानते हैं क्यों मानते हैं जस्ट कि डर है अंदर से कि हमें ये फॉलो करना है तो गुलामी तो अभी हमारी अंदर से गई का है अगर कोई भी अंधविश्वास है तो क्या वो गुलामी नहीं है अगर हम किसी भी अंधविश्वास को फॉलो करते हैं तो सीधी सीधी गुलामी है हम वैसे कहते हैं हम बहुत बहादुर तो जब अपनी ही बात को नहीं मान पाते तो हम बहादुर कहां से अगर हमें लगता है कि हमें पढ़ना है और हम पढ़ नहीं रहे जस्टिफाई कर देते हैं कल पढ़ेंगे हमें लग रहा है ये खाने से हमारी तबीयत खराब होती है हम फिर भी खाते हैं तो जस्टिफाई क्या कर लेते हैं कि कोई बात नहीं तो ये भी तो गुलामी है अब रियल इंडिपेंडेंस हमें अपने आप से चाहिए और हर भारत का देशवासी अगर अपने आप को सुधारने पर आ जाए अपने को अच्छा करे अपने परिवार को अच्छा करे अपने आसपास अच्छा करे अपने आप क्या पैदा शुरू होना शुरू हो जाएगा अच्छा यहाँ आनी शुरू हो जाएंगे बट इसके लिए हम टोटल हम कहें कि गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट रहे ऐसा नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट भी हम बना रहे हैं गवर्नमेंट भी हमारी है और हमें फॉलो भी हमें ही करना है क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या है प्रजा ही राजा है तो राजा ही यहां तो गड़बड़ है प्रजा प्रजा वैसे तो कहती है हम राजा हैं डेमोक्रेसी है बट प्रजा की जब ड्यूटीज आती हैं तो वो कहां पर है अगर हम उन ड्यूटीज को मान लेना तो आई थिंक रियल रिस्पेक्ट रिगार्ड होगा टूवर्ड्स नेशन अगर हमें रियल इंडिपेंडेंस को मानना है उस आजादी की इज्जत करनी है और उसको संभालना है तो पहले हमें अपने आप को भी संभालना पड़ेगा अपनी ड्यूटीज को फॉलो करना पड़ेगा ठीक है जी तो इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे बट एक प्रॉमिस भी अपने आप से जरूर करेंगे जो भी हमारी हमें लगता है कि मैं इस चीज से परेशान हूं गुलाम हूं मैं इससे चाहे वो मेरी हैबिट है बैड हैबिट है जिस भी चीज से लगता है मैं कल एक प्रॉमिस लेता हूं ना अपने आप से मैं उसको छोड़ूंगा तो एक बार उसको करके देखो रियल आजादी का मजा तो फिर आएगा फिर अगली इंडिपेंडेंस पे फिर एक प्रॉमिस लेंगे टूवर्ड्स नेशन भी और टूवर्ड्स अस भी बट उन दोनों के लिए करने वाला कौन है बाहर से नहीं कोई कराएगा करना तो हम नहीं तो चलो जी विश यू वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बढ़िया बढ़िया करो अच्छा एंजॉय करो और डबल है कल तो गर्ल्स <laughs> के लिए तो स्पेशल डे है उसको एंजॉय करो मिलते हैं फिर नेक्स्ट बार ओके okay जी